मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास है, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ यूथ ब्रिगेड से समाजवादी पार्टी का। देखा जाए जिस तरीके से प्रदेश के अंदर बढ़ रहे अपराध को लेकर क्या कहना है? मेरा प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जैसे कि रेप है, हत्याकांड है, जैसे कि अभी हाल ही में बलिया में हुआ है, विधायक जी ने गोली मारी है, ऐसे हमारे इसमें पार्टी में नहीं होता था। जैसे समाजवादी पार्टी में एक भी कांड ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारे पार्टी वाले ने किया है। और रेप पर रेप, जैसे कि ये हाथरस में हुआ था, पुलिस वालों ने लड़की की लाश को जला दिया, घर वालों को नहीं सौंपा, उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और एक इशारे पर अपराधियों को फरार कर दिया। आज ढूंढ रहे हैं जिसमें से एक आज आज ही निकला है, जिसमें से एक नाबालिग है। आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? आप लोग किस तरीके से पार्टी में काम कर रहे हो? हम अपनी पार्टी में ये चाह रहे हैं युवाओं को भी जोड़ें, समस्त जातियों को भी जोड़ें। ये नहीं कि जाति पाति देखकर वोट दें, ये देखकर वोट दें कि अपराध ना हो। 2022 में श्री माननीय अखिलेश जी को हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और बनाएंगे। इसके लिए हम अपनी जान से भी ज्यादा मेहनत करेंगे और जहां उनका पसीना बहेगा वहां हम खून बहाएंगे। 2022 में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएंगे और बढ़ते हुए अत्याचारों को रोकना चाहेंगे, जो कि आज बलात्कार है, हत्याकांड है, जैसे कि हाल ही में झांसी में हुआ है, पॉलिटेक्निक उधर भी हुआ है, जैसे कि उसमें से 8 जनों को तो गिरफ्तार किया है बताया जा रहा है, 15 आदमी है, 15 लड़के हैं, 15 में से 8 को गिरफ्तार किया और बकाया सब फरार हैं। आने वाले समय में वादा करता हूँ कि ऐसा अपराध नहीं हो और ना होने दूंगा। इसके लिए मैं अपने युवाओं को भी उत्साहित करूंगा कि गांव गांव जाकर जगाएं, जागरूक करें सबको और अखिलेश जी को वोट दिलाएं, मुख्यमंत्री बनाएं।